नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप बताने वाले हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस जीवन चिकित्सा योजना चल रही है, आप इसको कैसे अप्लाई करें, आप अपने इसमें हेल्थ कार्ड जो है वो कैसे बनाएंगे, और अपना जो डिपेंडेंट लोग हैं उन आपके जो भी उनका हेल्थ कार्ड कैसे बनवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर टाइप कर सकते हैं sects.up.gov.in। ठीक है, आप जैसा कि ऊपर यहाँ पर देख सक पाते हैं, इसको जैसे ही टाइप करेंगे इस तरह का पेज आ जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, महत्वपूर्ण है, उसको आप पढ़ लेना है। बोला गया है नंबर 1 पे केवल आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भरें, तो आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना है जो आपके आधार कार्ड पे साथ अटैच्ड है। ठीक है, उसको मोबाइल नंबर आप लग डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो कैप्चा दिया गया कैप्चा डाल देना, उसके बाद जनरेट ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो भी ओटीपी मिलता है ओटीपी भर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे आपको ब्लू टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे दूसरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया, आवश्यक सूचना, उसको आपको पढ़ लेना है जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे इसको क्लिक कर देना। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही आपको पूरा फॉर्म भरना है और कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं चलेगी। दूसरा इंस्ट्रक्शन बोला गया है कि आपको जो भी स्टार जिनमें जिन कॉलम में स्टार लगा होगा उनको आप आवश्यक है उनको आपको भरना ही होगा। और तीसरा ये देगा आपको जो सातवां पे लगा है कमीशन, उसके हिसाब से आपका अपना वेतनमान जो है वो आपको यहाँ पे चुनना होगा। ठीक है, अब इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, दूसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका कर्मचारी का या पेंशनर जो है आप वो है, आप यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं या जो भी हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ जो है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको विभाग का नाम होगा, किस डिपार्टमेंट से हैं, तो ये सब देखिए जितने भी गवर्नमेंट के विभाग हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के विभाग हैं वो यहाँ पर सारे दिखे। ठीक है, तो इनको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका हो। उसके बाद विभाग का नाम जो है, जैसे कि पुलिस का ऑप्शन खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे होम मिल जाएगा, लेकिन आपको होम सेलेक्ट कर लेना है। और कार्यालय आप कहाँ है, तो कार्यालय के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे लखनऊ में कार्यालय है, तो मैं सीधा यहाँ पे लखनऊ उसका सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डी डी ओ कोड, आपका डी डी ओ कोड हर जगह का अलग अलग होता है, जैसे यहाँ का मेरे यहाँ का भी 2543 है और मैं यहाँ का कोड डालता हूँ। डी डी ओ कोड डालने के बाद आपका वर्तमान नाम पदनाम सॉरी आपका यहाँ जो आपका जो पोस्ट है आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस पोस्ट पे हैं, वर्तमान आपकी पोस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते बहुत सारी पोस्टें हैं, इसमें से जो भी आपकी पोस्ट पे हैं, आप कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल या फिर एस आई जिस पोस्ट पे हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना जो वर्तमान पोस्ट है उसका सेलेक्ट करने के बाद आपको पे बैंड है, पे बैंड आपको कौन सा है उसको सेलेक्ट करने में, फिलहाल यहाँ पे लेवल 3 मेरा जो लग रहा है इसमें उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपका कार्यालय का नाम, आप वर्तमान में पोस्टेड कहाँ पे हैं, और ये आपको ध्यान देना है कि जो पे बैंड लिखेंगे आप उस सातवें वेतन आयोग के हिसाब से इसको यहाँ पर लिखना है। तो आपका जो कार्यालय है वर्तमान जो पोस्टिंग है उसका नाम लिख देना है। फिर आप एप्लीकेशन अपना नाम जो है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपका डीओबी क्या है, आपके अपनी डीओबी डाल देनी है, जो भी आपकी डीओबी है सेलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ पे अपनी डीओबी डालना है। फिर आपको यहाँ पे सेवानिवृत्ति यानी कि आपकी जो रिटायरमेंट डेट है वो कब है उसको फिल करना है। आपका जेंडर क्या है, जेंडर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आपको यहाँ पे जो आवेदन कर रहे हैं उसके पिताजी का नाम या फिर आपके हस्बैंड हैं तो उनका नाम क्या है, तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। नीचे सारी बेसिक चीज़ें दी गई, यहाँ पर ईमेल, आधार नंबर और आपका जनपद कौन सा है, अपना एड्रेस जो आधार के हिसाब से है, अपना फ़ोटो ऑफ एम्प्लॉई, अपना फ़ोटो जो है 20 KB तक मैक्सिमम होना चाहिए। ये सब देने के बाद आपको यहाँ पर ब्लू टिक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सब कैप्चर डाल के सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो मैं अपना डिटेल बेसिक डिटेल जो है उसको मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। बेसिक डिटेल भरने के बाद आपका पूरा डिटेल जो है इस तरीके से आ जाएगा, उसके बारे में उसे मैच कर ले। मैच करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आएगा डू यू वॉन्ट टू
आर डिपेंडेंट यस आर नो, अगर आप ऐड करना चाहते हो ठीक है, मैं नो करना तो चाहता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं जिसको मैं ऐड करना चाहूँ क्योंकि सबका अलग अलग बना हुआ। तो फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे नेक्स्ट करेंगे आपका डिटेल पूरा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर एक नोट जो लिखा है, भरे हुए आवेदन पत्र की प्रतिछाया अपने पास सुरक्षित रखें। DTO द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात आप एक को एक सूचना प्राप्त होगा जिसके द्वारा एक लिंक प्राप्त होगा। EKYC पूर्ण करने के पश्चात आप अपना हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आप जब ये अभी DTO के पास जाएगा जब वेरीफाई कर देंगे वो आपके पास मैसेज आएगा, एक लिंक आएगा वहाँ पर उसको डाउनलोड, वहाँ से उसको लिंक पर जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर अपना अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद आपके पास OTP आएगा, फिर OTP डालेंगे, उसके बाद जाके आपका हेल्थ कार्ड जो है डाउनलोड होगा और वो आपका हेल्थ कार्ड जब बन चुका होगा तब डाउनलोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिंपल सा आपको चाहे तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, सबमिट क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पे देखिए ओपन होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको जो है सबमिट हो चुका है मेरा, अब वेट करना है जब तक DTO के पास अभी जा चुका है मेरा एप्लीकेशन, जब वहाँ से सत्यापित हो जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा।